नाजरीन आपका मेजबान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव पूरी दुनिया से जो लोग डेली पाकिस्तान के पेज पर हमें बराह रास्त देख रहे हैं उन्हें आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी टैलेंटेड शख्स से मिलवाने जा रहे हैं अस्सी की दहाई में फिफ्टी फिफ्टी पाकिस्तान टेलीविजन का एक अजीम कॉमेडी ड्रामा था जिसके अजीम फनकार मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है माजिद जहांगीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जबकि उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद हैं ये शख्स अगर पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशियां ला सकता था रोते हुए लोगों को हंसा सकता था तो आज ये हंसता बस्ता शख्स रोने पर मजबूर है इंटरव्यू से पहले जब हमने इनसे बात की तो माजी साहब का कहना था कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं बस गिला है तो अपनी ज़ात से है अपने फ़न से है मुझे कभी भी एक्टिंग या एक्टिंग के शोबे में नहीं आना चाहिए था आटा ले लेता हूँ तो दवा के पैसे नहीं होते दवा ले, ले लेता हूँ तो आटे के पैसे नहीं होते घर से बेघर हैं जबकि ये जो इनकी वाइफ हैं इनके ये इनकी शरीक हयात है हैं और एक अच्छी औरत का पता भी तभी चलता है जब वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे वक्त में तो रहती है लेकिन बुरे वक्त में भी उसके शाना बशाना चलती है इनका कोई इनकी कोई औलाद नहीं है ना इनका कोई बेटा है ना इनकी कोई बेटी है अल्लाह ताला ने इनको ओलाद नरीना से नवाजा नहीं लेकिन अब ये वक्त है कि पूरे पाकिस्तान के वो बच्चे जो अस्सी की दहाई में इनके ड्रामोज को देख के ना सिर्फ उन्होंने अपने चेहरों पर खुशियाँ लेकर आए और अपने बचपन की खूबसूरत यादों को जो है उन्होंने निखारा अब मौका है कि इनकी औलाद बरें और इनके लिए कुछ करें लेकिन उससे पहले इनसे पूछेंगे कि इनके हालात क्या हैं माजी साहब बताइएगा ये कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं एक अरूज पर थे अब अपने आप को जवाल पर देखते हैं तो कैसा महसूस होता है बस ये यही लगता है कि हम हमें ना हंसाना नहीं चाहिए हमने बहुत बड़ी गलती की और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि हमने जिंदगी के अपने पचास पचपन साल जो है लोगों को हंसाने में निकाल दिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको जो दूसरे लोग जो करते हैं ना कि अपना जी जी जैसे भी हिसाब किताब करके अपना अच्छा या बुरा जो भी है अपनी वो अपना बनाते हैं कारोबार हमें वो करना चाहिए था मगर हम तो हंसाने में मारे गए हम तो हंसाने में लूट लूट गए बर्बाद हो गए हम तो हंसाने के लिए कि भाई हम हम कौम को खुश रख सकें पूरे पाकिस्तान को खुश रख सकें और मैं मैंने जब वो कहा ना कि वो रोते हैं छम देख लिया तेरा प्यार आए मैंने देख लिया तेरा प्यार वो वो जो है ना वो वो तो मैंने मजाक में किया था ना लेकिन अब वाकई मुझे वो रोना आता है कि मुझे वाकई रो रोने की तबीयत चाहती है कि जब कहते थे कहते हैं ना कि वो तो मजाक किया था रोते हैं झ लेकिन अब जिंदगी में ही रो रहा है कि रोते हैं चम चमैन चल गया देख लिया तेरा प्यार आ, 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 आप आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है ये जितने लोग आपको देख रहे हैं ये सब आपके बच्चे हैं ये कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे किसी गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ नहीं किया पिछले तीस से पैंतीस साल से पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में जो है ना सिर्फ हुक्मरानी कर रही है ये फनकार बरदरी इन लोगों को नजर नहीं आती फनकार ने तो मरना ही मरना है लेकिन आप ये बताएं जो आपकी फनकार बरदरी आपके जो साथ थे अनवर मकसूर साहब अब माशाल्लाह वो एक बड़े अहदे पर हैं और शुएब मंसूर साहब फिल्म डायरेक्टर हैं तो उन्होंने भी आपके लिए कुछ नहीं किया जिनको शुयब मंसूर साहब को फिफ्टी फिफ्टी से ही शहरत मिली एक्चुअली तो उनको भी पैगाम देना चाहेंगे कोई पूछता नहीं है जब मैं उनको क्या पैगाम दू क्या उन्हें पता नहीं जिस तरह वो फिफ्टी फिफ्टी उन्होंने शुरू किया था उन्हें कोई जानता भी नहीं था उनको पता ही नहीं था कि वह अब शेय मंसूर है, है किस बला का नाम फिफ्टी फिफ्टी से उन्हें रूज मिला हम सबको अरूज मिला उन्हें भी भीज मिला अब वो अपने प्रोग्राम करते फिर रहे अपने किसी और फनकार ने भी रबता नहीं किया ना ना किसी ने कोई रब्ता नहीं किया बिल्कुल भी नहीं किया ये 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 फनकार क्यों रब्ता करेंगे किसी से उनको ये पता लगा ना कि नहीं अब माजी जहंगीर की पोजिशन अच्छी नहीं है अब माजी जहंगीर फारिज का शिकार है तो फालिस का फॉलिश हो चुका है और ये राइट साइड का फालिस है है, है। जबकि इनकी जो फिजियोथेरेपी वो भी करवानी है मेडिसिन की भी इनको जरूरत है किसी हुकूमत ने इनसे कोई नहीं किया जबकि जो इनकी एहलिया हैं उनको भी मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है मलिक रियाज साहब की जो साहबजादी है मलिक अंबर साहिबा उन्होंने इनसे आधा घंटा फोन पर बात की इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने इनसे प्रॉमिस किया था कि इनको घर देंगे जो कि अभी तक इनको नहीं मिला अगर आप भी उनसे अगर आप देख रही हैं या मलिक साहब देख रहे हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है ये असासा है इस पाकिस्तान का बबू बुराल मस्ताना बिल बतोड़ी जकूटा जिन जैसे बेशुमार बेशुमारेक्टर हैं जो मीडिया के पे आए जीनत बने मीडिया वालों ने अपनी रेटिंग्स दी लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं बना कहीं माजिद जहांगीर भी हम सब बहुत लेट ना हो जाएं इनके लिए कुछ ना कुछ आप जरूर करें लेकिन सियासतदानों से हमें कोई तो नहीं है अगर उनसे कोई तो होती तो उनकी तरजीहत में मेट्रो उनकी तरजीहत में ऑरेंज लाइन ट्रेन उनकी तरजीहात में कल्चर नाम हाद कल्चर और कल, कल्चर ओरिएंटेड जो है उनकी वजारत है जबकि ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया क्योंकि फिफ्टी फिफ्टी और 80 की दहाई में चलने वाला अलिफ नून एक ये दो ऐसे प्रोग्राम थे जि, जिन्होंने ना सिर्फ नौजवानों को एक राहत बख्शी बल्कि उनके रोते हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरी आज आप देख सकते हैं कि ये रोता हुआ शख्स ये हंसता हुआ शख्स किस तरीके से रो रहा है और ये जो डायलॉग अपने ड्रामा हिस्ट्री में किया करता था वो आज इसकी जिंदगी में इसके सामने नजर आ रहे हैं जिंदगी के अरूज पर भी थे आज जवाल पर है तो जिंदगी की तारीफ आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता कैसा पाया जिंदगी को बस जिंदगी को तो जिंदगी को ये तो है ना कि खुदा की मखलूक जिंदगी है इस पर तो जितना भी फख्र करें जितना भी इसको गुजारें उतना ज़्यादा अच्छा है कि ज़िंदा है तो सब कुछ है ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं अल्लाह ताला अब हमको सब हमको सबको जिंदगी से हम जिंदा रहना चाहते हैं लेकिन अब हमने जो हमने तो बुरा किया समझे ना हमको हंसाना नहीं चाहिए था ये तो मैं आपसे कहूँगा और जितने भी लोग हैं जितने अब तो अब हंसाने वाले लोग रहे नहीं और जितने भी हंसाने वाले लोग हैं उन, उन पर यह जिम्मेदारी बनती है कि खुदा रहा इस कौम को ना हंसाएँ आप तो हंसा देंगे आप तो चले जाएँगे आप तो हंसा लोग हंसते रहेंगे और उस उसके बाद नहीं, नहीं नहीं आप ये नहीं। बात ना करें इस कोम को हंसाएं इस कोम को हंसने की बहुत जरूरत है जिस कोम को आपने हंसाया है वही आपके साथ रहा करेंगे इनका आ, अकाउंट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि ये ना हो कि बहुत देर हो जाए आ, ये यूबीएल का इनका अकाउंट नंबर है और इनका जो बैंक अकाउंट टाइटल है वो अब्दुल माजिद जहांगीर के नाम से है जो इंटरनेशनली लोग इनको कुछ डोनेट करना चाहते हैं वो ये आई बैन नंबर नोट कर लेर यू एन आई एल और अकाउंट नंबर है जीरो डबल वन टू डबल वन सेवन सिक्स वन डबल जीरो सिक्स थ्री फाइव नाइन फाइव एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं सिफर एक एक दो एक एक सात सिफर छ तीन पांच नौ पांच ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जबकि आई बैन पी के डबल फोर यू एन आई एल है और काइंडली जो भी इनसे रहा करे क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे नहीं है और इनकी कोई औलाद भी नहीं है लेकिन हम इनकी औलाद हैं हम इनके बच्चे हैं आ, इनको काइंडली ज्यादा तंग ना करें अब वीडियो गौर से एक दफा देख लेंगे तो यू पीपल विल कम टू नो कि ये है क्या एक्चुअली जबकि जो इनका नंबर है इनका मोबाइल फोन नंबर वो आपके साथ शेयर करते हैं अपना नंबर बताइएगा मेरा नंबर है जीरो थ्री जीरो टू टू फोर जीरो सेवन थ्री सेवन फोर एक दफ़ा उर्दू में भी बता दें हाँ जीरो तीन सौ दो दो सौ दो सौ दो सौ चालीस तिहत्तर चौहत्तर फिर फे, फिर मैं फिर तुम दस जीरो तीन सौ दो, दो सौ चालीस तिहत्तर चौहत्तर जीरो तीन सौ दो सौ चालीस तिहत्तर चौहत्तर इनका नंबर है मजीद डिटेल्स में इनसे बात करने के लिए आप इनसे राबता कर सकते हैं कब तक ये फनकार जो है मरते रहेंगे और हम इनकी कसम पुरसी की इस हालत का तमाशा देखते हुए एक तमाशबीन बन जाएंगे इस कॉम को इन्होंने हंसाया हमें हंसाया हमारा फर्ज है कि हम इनकी हंसी को किसी न किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की सूरत में इनको पे करें सियासतदानों से हमें कोई गिला नहीं शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो फनकारों और फनकार होने की हैसियत से उन तमाम लोगों की मोहब्बत और समेटने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उनके बारे में वान में बात नहीं करते हैं। अपने मेज़बान यासर शामी को इजाज़त दीजिए वो देखते हाफिज़